Good evening, everyone. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sat Saurabh. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको हेल्प कर सकूँ कि आप बेटर वे में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें. सो आज इस वीडियो के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि कुछ टिप्स दूँगा कि आप किस तरह से अपने शेड्यूल बना सकते हैं, जहाँ आपको किस लेवल पर क्या तैयारी करनी चाहिए, ये भी इस टाइम के अकॉर्डिंग. देखो, जैसे कि रमेश पोखरियाल एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात क्लियर कर दी है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो फैब मंथ तक नहीं होंगे, ठीक है. और जब भी एग्ज़ाम होंगे तो वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन होंगे. तो ये दो बातें क्लियर हो गई हैं. अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो ऑब्वियसली कि स्टेट बोर्ड जो है वो CBSE को ही फॉलो करती हैं. बट हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम ज़्यादा डिले हो जाएंगे. ज़्यादा डिले इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि देखो, एग्ज़ाम जब तक 12th क्लास के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जो आगे उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं लाइक नीट, JEE, है ये एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें दिक्कत आ जाएगी. फिर आगे सारा सिस्टम अभी डिस्टर्ब हो जाएगा. और वैक्सीन का हम सब न्यूज़ सुन रहे हैं कि 15th January से मे भी हो जाए, मतलब कभी जनवरी के किसी वीक में भी लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट की जो इंडिया की लो वैक्सीन है. तो उस इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमें अपने टाइम टेबल बनाना चाहिए. और कई बच्चों का भी होगा कि नहीं, हमें न्यू ईयर का वेट करना चाहिए, धन विल स्टार्ट. नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए. देखो, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और जो टाइम सेव करना चाहते हैं, उनके लिए संडे भी एक रेस्ट डे नहीं है, जबकि संडे एक बेटर डे बन सकता है आपके लिए कि आप उस दिन सारा रिवाइज कर सकते हैं. सो मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं, और आप जो टाइम टेबल अपना बनाएंगे उसको किस तरह से बनाएं, ठीक है. अब थोड़ा जेंटलमैन टाइम टेबल बनना चाहिए. आपको स्मार्ट स्टडी करनी है. अब मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि हमें हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए. हार्डवर्क तो बहुत ज़रूरी है, बट स्मार्ट वर्क से अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी स्टार्ट, कैसे कर सकते हैं आप. चलिए, अगर आप पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास, नोट करते जाएँ तो डेट बेटर वे, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है ये उसका आपको वीडियो विजिबल नहीं है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी पे. तो आप लिखते जाएँ, स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको कितना मार्क्स लेके आने, तो उस टारगेट को सामने रखिए. नंबर 1, उस टारगेट को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए. किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने गेट करना है, किसी ने नहीं गेट करना, और आपकी अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत होगी जिसके बलबूते पे आप वो अपना टारगेट अचीव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके माइंड में आ रहा है, एक इमेजिनरी जो नंबर आपके माइंड में आ रहा है, उसको आप लिख दीजिए, जो आप चाहते हैं कि मैं इस नंबर तक, इस परसेंटेज तक मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टैंड कर सकूँ. नंबर 1, ओके, डन. नंबर 2, अब आपको बाइफ्रिकेशन करनी है अपने सभी सब्जेक्ट्स को लेकर. लाइक मैं बात करूं, अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं, क्योंकि पोस्ट स्टूडेंट के वीडियो हमारे कमेंट होते हैं कि सर यू आर वीडियोज मोस्टली फॉर द कमर्स स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली मैं कमर्स का टीचर हूं तो मोस्टली कमर्स स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा, बट फिर भी आज का ये शेड्यूल जो है बताने जा रहा हूं, ये साइंस स्ट्रीम, कमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज सब के लिए है. तो जो 11th स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट है वो भी फॉलो कर सकते हैं, 10th वाले फॉलो कर सकते हैं, और 12th वाले भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए तो है ही मोस्टली. बाकी लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. जो कॉलेज लेवल पे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं. तो आपका टारगेट आ गया नंबर 1. टारगेट के बाद अब हमें करना है क्या है, अपना सब्जेक्ट्स को बाइफ्रिकेट करना है. मैंने इसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप बात करें कि हम क्या करेंगे, जैसे हम ले लिया साइंस की बात कर रहे थे, हम फिजिक्स ले लीजिए, एक कॉर्नर पर फिजिक्स लिख लीजिए, एक कॉर्नर पर आप केमिस्ट्री लिख लीजिए, केमिस्ट्री के साथ आप मैथ्स है जिनका, जब बायो है, जब बायो मैथ्स दोनों है, बोर्ड से देख कहीं बच्चों के होते हैं, बायो कर लीजिए. और फिर लास्ट के 2 कॉलम्स में आप बना लीजिए किसका, इंग्लिश और PHE के लिए बना लीजिए. इंग्लिश और PHE या जो भी किसी बच्चे का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, EVS कहीं बच्चों को रहता है, ठीक है, IP रहता है, IT रहता है, जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा. ये कॉलम्स बन गए आपके, मतलब एज ए चार्ट आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. ओके, डन. अब आपको क्या करना है, अपने माइंड में इस बात को क्लियर करना है कि कितने कितने टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मुझे आ जाते हैं, कितने कितने टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मुझे ये आ जाते हैं, पहले आप उन टॉपिक्स को लिख लीजिए. ये आप अपनी बुक से करिएगा, अभी नहीं हो पाएगा, सिर्फ मैं टिप्स बता जा रहा हूँ. क्या करना है आपको, अब
आपने अपनी बुक सामने रखिए, टेक्स्ट बुक जो रहता है आपका, या सिलेबस आपके पास होगा तो सिलेबस में देख लीजिए कि आपने कितना कितना पढ़ लिया है। पहले तो वो चलिए उसको लिख लीजिए, इस सब्जेक्ट का मेरा इतना हो गया, इस सब्जेक्ट का मेरा इतना हो गया, इतना जो तो आपको लगता है कि मैंने इसको रीड आउट कर लिया, जब मुझे ये आता है ऐसे समझ लीजिए आपको, ठीक है, रीड आउट बन जाइए, मतलब जो आपको आता है इतना कर लीजिए उसको, ओके, जो ईमानदारी से। अब यहाँ पर जब ये शेड्यूल बनाने जाएंगे तो आपको ईमानदारी करनी है, ऑनेस्टी, नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, वो नहीं, और किसी भी नहीं, उसने ऐसा किया, उसको ना देखना नहीं है। और ये जो टिप्स हैं ये आपके अपने लिए पर्सनल लेवल पे चलना है, ग्रुप लेवल पे नहीं है ये। आपको पहले लिख लेना कि भाई मुझे इसके इतने टॉपिक आते हैं, इस सब्जेक्ट के मुझे इतने टॉपिक्स आ जाते हैं, इतने चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए होंगे, ओके जी। जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको, अब सेकंड स्टेज क्या है इसकी, सेकंड स्टेज में आपने लिखना है, मतलब जो ये बनाएंगे सभी सब्जेक्ट्स का हमने लिख लिया, उसके बाद जो लाइन ड्रॉ कर लें और फिर लिखें कि कितना आपने अभी करना है और कितना कितना करना है। एक्चुअली ये करने वाला पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, जैसे स्टेट बोर्ड में कहा गया कि 60% पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए CBSE के कुछ टॉपिक डिलीट हो गए, इसलिए सारे टॉपिक्स तो नहीं है, आप कुछ टॉपिक डिलीट हो गए बाहर निकाल दीजिए पहले ही। तो जितने टॉपिक आपने कर लिए हैं पहले उसके रख लीजिए, उसके बाद लाइन ड्रॉ करें, और जितने रह गए हैं उनको लिख लीजिए, ओके। अब जो रह गए हैं उनकी संख्या ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अब तब स्टडीज नहीं स्टार्ट की, कई बच्चों कम भी हो सकती है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहले ही कर ली है। हो गया जी डन, इतना आपने कर लिया, बढ़िया से बना लिया इसको। इतना बनाने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में क्या जाना, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है काम कि अब आपको डेज अपने बनाने हैं कि आपके पास कितने दिन हैं। अब कोई भी स्टूडेंट जो है ये माइंड में अपने मत लेगा, नहीं फैब तक एग्जाम नहीं होने, तो मैं फैब की 28 तक मैं अपना टाइम नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जो अपना शेड्यूल है वो 28 तक नहीं लेकर जाना है। आपके लिए देखो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप कल को ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं फैब तक एग्जाम नहीं हो सकते, क्या पता गवर्नमेंट प्रैक्टिकल्स पहले कनेक्ट कर ले, उन्होंने कहा था कि हमने एग्जाम के लिए बोला, हम प्रैक्टिकल थोड़ी बोला था, तो फिर क्या करेंगे आप। इसीलिए आप अपना शेड्यूल जो है वन मंथ का बना के रखिए, अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ का। अगर ऐसा होता है प्रैक्टिकल्स नहीं होती हैं या डेट शीट आ जाती है, पता चल जाएगा आपको एज उन, तो आपको सब पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप नेक्स्ट फैब के लिए अपना रिविजन टाइम टेबल बना लेना। फिलहाल आपका जो शेड्यूल है आप बनाइए अपना जनवरी तक बनाइए, कंप्लीट जनवरी, 30th या 31st जनवरी तक बना लीजिए अपना टाइम टेबल, शेड्यूल बनाइए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपना मतलब डे आपको जो टाइम सेट रखना है आपको 30th जून तक रखना है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, मतलब आपके पास हम बात करें अगर आज की, अगर आप देखते हैं तो आज 28th है, 28th से हम शुरू कर रहे हैं, तो 28th से अगर हम मतलब अपना शेड्यूल शुरू कर रहे हैं अगर आप, तो 28, 29, 30, 31st, मतलब चार दिन आपको यहाँ लगा लीजिए और 30th वहाँ ले रहे हैं, तो मतलब 34 डेज है कुल मिला के आपके पास, 34 डेज है, तो आप उसमें प्लस माइनस करके 30 डेज का एग्जैक्ट बना के चलिए, चलिए 3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप 34 डेज को 30 कर लीजिए, 30 डेज का बना के चलिए। 30 डेज में आप क्या करिए, अपना टाइम डिवाइड करिए, 30 डेज आपके पास आ गया, मतलब ऊपर लिखिए टोटल नंबर ऑफ डेज वी हैव 30 डेज आ गए जी। अब आप क्या करें, अपने स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाएं कि आपको अपना टाइम देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टाइम दूंगा तो क्या पता उस बच्चे को उस टाइम पे ट्यूशन हो रहा हो, जब उसकी उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास चल रही हो, तो मेरा अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम सेट करूँगा तो आपको मैच नहीं करेगा, तो फिर वो मेरा मतलब जो मैं बताऊँगा तो पर्पजफुल नहीं होगा। इसलिए आपको ये अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है, ये आपकी कंडीशंस रहेंगी, बट इसमें जब सेट करें तो कुछ बातों को याद रखें। नंबर वन, आपको ये बात माइंड में रख लेनी है कि आप जितना हो सके अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल लिया, अब टाइम आ गया कि आप कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको मतलब हासिल करनी है तो कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन समझ रहे हैं ना, मतलब ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ कर लिया वो कर लिया, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझाया, और कुछ बच्चों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो श्योरली उनको उस बात को समझ आया भी होगा कि यस क्या चीज़ है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप एक सिटिंग अपने बना रहे हैं वो 2 आवर्स से ज़्यादा मत बनाइए, 11th 12th के बच्चों को ये बात मैं करूँ कि मतलब जो एक शिफ्ट आप लगा रहे हो 2 आवर्स से ज़्यादा मत लगाइए। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा ज़्यादा करेंगे, नहीं मैं एक ही बार पढ़ के 5 घंटे पढ़ूँ तो वो काम खराब हो जाएगा आपका, आपको नहीं बन पाएगा, वो फर्स्ट डे टाइम टेबल फ्लॉप हो जाएगा। सो जस्ट गो फॉर द 1 आवर और 2 आवर, वो आपको अपनी सीटिंग कैपेसिटी देखनी है, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है आपकी, आपकी 1 आवर सीटिंग कैपेसिटी है, 2 आवर है, 3 आवर, तो आप फिलहाल मैक्सिमम आप 2 आवर्स लेके चलिए, मतलब 2 आवर्स की शिफ्ट लगानी मैक्सिमम लगानी हो तो, उससे ज़्यादा कम आप 1 आवर, तो मतलब 1 आवर मिनिमम, 2 आवर मैक्सिमम। तो अगर आप 2 आवर करते हैं तो 2 आवर की आपको कम से कम 3 शिफ्ट चाहिए आप इस टाइम पे, 6 आवर्स की स्टडी आपके लिए सब बेटर में चलेगी। अब 6 आवर कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 6 आवर जो आप स्टडी को देंगे वो आपकी पर्सनल स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप क्या करें कि 2 आवर्स के जो 2 शिफ्ट हैं वो अपने मेन सब्जेक्ट्स को दीजिए, मेन सब्जेक्ट मतलब जो आपके 3 सब्जेक्ट मेन है,
जैसे एग्जांपल के लिए साइंस में बात की मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उसका बायो मैथ्स उसके लिए थोड़ा सा चेंज आएंगे यहाँ पे। जहाँ कमर्स की बात करें तो आपके आ जाएंगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, या अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ओके, आप इनको देखिए। अब आपको करना क्या है इस बात पे कि जब ये तीन में बताएं, हमने शिफ्ट बताई तीन, तो ये नहीं कि इनों तीनों को दे दें, नहीं, आपको क्या करना है, एक जो आपको लगता है कि मेरा, हर बच्चे को अपना पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या किस सब्जेक्ट में मेरा होल्ड है, किसमें मैंने स्पेट ज़्यादा कर लिए टॉपिक, किसमें मैंने नहीं किए। आप इन तीन में से दो शिफ्ट रख लीजिए उन तीन सब्जेक्ट के लिए जो मेन सब्जेक्ट आ गया आपके, ठीक है। इंग्लिश और पीएचई को एक साइड में कर दीजिए। आप क्या करें, फोकस करें पहले अपना, जो दो शिफ्ट आप लगा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी होगी, तीन, टू आवर्स की, मतलब सिक्स आवर स्टडीज बन रहे हैं आपके। अब वो शिफ्ट कैसे लगानी है वो आपको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। आप कहीं मतलब मेरे मॉर्निंग में टाइम है तो मॉर्निंग में टू आवर्स लगा लीजिए, ओके। फिर आपको लगता है कि मैं आफ्टरनून में फ्री हूँ, आफ्टरनून में लगा लीजिए, फिर इवनिंग में लगा लीजिए। जैसे को लगता नहीं, मैं आफ्टरनून में ट्यूशन होती हैं या मेरे ऑनलाइन स्कूल क्लासेस हैं, तो आप उसको नाइट में ले जाइए, जैसे मर्जी, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। अब इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको जो आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट मेरा होल्ड अच्छा है, मतलब इसमें मैंने काफ़ी टॉपिक निकाले हुए हैं, उसको एक शिफ्ट का ज्वाइंट कर दो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि मैंने इसमें ज़्यादा टॉपिक कर लिए हुए, मुझे कम टाइम में मैं कवर कर सकता हूँ इसको, तो आप क्या करें, जैसे आप क्या करें, बिजनेस स्टडीज़ के साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप को अटैच कर लीजिए, कि जब आप बिजनेस स्टडीज़ के दो टू आवर्स की शिफ्ट लगा रहे हैं तो उसमें आप बिजनेस स्टडीज़ को 1 आवर और एंटरप्रेन्योरशिप को 1 आवर दे दीजिए, तो आपका दो सब्जेक्ट निकल जाएंगे एक ही शिफ्ट में। अब जो मेन है अकाउंटेंसी, उसके लिए 2 आवर्स रख दीजिए, जबकि मेरे मेरा अकाउंट अच्छा हो गया है, जब मुझे अकाउंट्स में मेरा होल्ड अच्छा है, तो आप अकाउंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप अटैच कर लीजिए, बिजनेस अटैच कर लीजिए, इस तरह से। अब मैं साइंस की अगर बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे फिजिक्स, उनको लगता है कि मेरा ठीक चल रहा है, फिजिक्स में मेरा होल्ड है, तो आप क्या करें, केमिस्ट्री ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हर बच्चे के लिए, तो केमिस्ट्री को अलग रख लीजिए, फिजिक्स को, फिजिक्स के साथ मैथ अटैच कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स में मैथ भी रहता है, तो आप फिजिक्स के साथ मैथ कर लीजिए, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कर लीजिए, केमिस्ट्री का आधा घंटा काट लीजिए और यहाँ से फिजिक्स का 1 घंटा काट लीजिए, तो आधा घंटा काट लीजिए तो केमिस्ट्री बीच में फिजिक्स को 1 घंटा मिल जाएगा, और 1 आवर 30 मिनट मिल जाएंगे केमिस्ट्री को, और 1 आवर 30 मिनट मिल जाएंगे आपके मैथ्स को, वो आपको मैनेज कर लेना है। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप सब सब्जेक्ट्स को टच कर जाएं। अब जो बचती है आपकी लास्ट शिफ्ट 2 आवर्स वाली, उस शिफ्ट को आपने यूज़ करना है। अब वो फर्स्ट भी हो सकती है शिफ्ट, लास्ट भी हो सकती है, वो आपको अपने सेट करना है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट शिफ्ट आपकी, जो मतलब तीसरी शिफ्ट लगेगी, तीसरी 2 आवर्स की, उसमें आपको पकड़ना है इंग्लिश और पीएचई, सभी को ऐसा करना है, इंग्लिश और पीएचई। जब पीएचई की जो ऑप्शन, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, ईवीएस किसी का रहेगा, किसी का आईपीआईटी, जो भी रहेगा, ठीक है, उसको उस सब्जेक्ट के लिए जाना है। अब उसको ये बात क्लियर रखनी है माइंड में कि मुझे इन सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़ना है कि मैं इनको फिनिश कर सकूं। जैसे हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कम रहता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप कह लें नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उसके कम है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप फिजिकल एजुकेशन को इस तरह से अपने तैयारी में स्ट्रेटजी बनाएं कि आप उसको खत्म करने के लिए जाएं, कि मैं फटाफट इसको खत्म करूं इसको, मतलब आपको जो जो 2 आवर्स वाली शिफ्ट फिनिश करना है, 2 आवर्स वाली जो टॉपिक है उसको इस तरह फिनिश करना है, फटाफट आप फिजिकल एजुकेशन को निकालें। तो फिजिकल एजुकेशन को रोज़ का 1 आवर दे सकते हैं। अब आ जाते इंग्लिश। अब बहुत से बच्चों को लगता नहीं, हम इंग्लिश तो कर ही लेंगे, हमें इंग्लिश अच्छी तरह आती है। नो, आई नो वेरी वेल कि कुछ बच्चों को इंग्लिश बहुत होल्ड होता है, कई लोगों के टीचर्स इंग्लिश के बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, तो अच्छा सिखाते हैं। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड यू वेरी सुपर टीचर इन इंग्लिश, तो उनके बाद जो बच्चे पढ़ते हैं, आई थिंक सो कि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, क्योंकि वो टीचिंग सिर्फ इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाते इंग्लिश नहीं है, वो पढ़ाते हैं एक्चुअली कि इंग्लिश हम कैसे करें, मतलब यूज़ कैसे करें इंग्लिश, तो वो पढ़ाने का डिपेंड रहता है। तो ऐसे बहुत से टीचर हैं, ऐसी बात नहीं, मैं एक पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहा हूँ कि उनका पढ़ाने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं तो वो उनका सजेस्ट ये रहना चाहिए। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि अपने इंग्लिश का अपने ऐसे इसमें रहता है, मेरे हिसाब से एक लिटरेचर पार्ट रहता है आपका, जिसको हम पेपर ए बोलते हैं ना, तो पेपर ए में कितना रहेगा, ग्रामेटिकल पोर्शन कितना, राइटिंग स्किल्स क्या रहेंगी, आप उसको बायफिकेट करिए। और ये मत सोचिए कि नहीं, एग्जाम में जाकर राइटिंग स्किल्स कर लूँगा, नहीं, आपको उसके फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आप रूटीन बना लीजिए कि मुझे 1 वीक तक इसका पैराग्राफ लिखना है भाई, मुझे ईमेल लिखना आना चाहिए, मुझे डायलॉग राइटिंग, मतलब प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इंग्लिश में भी अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास वोकैब बढ़ेगी, हमारी जितने वर्ड्स बढ़ेंगे उतना बड़े हम लिख पाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना, इसलिए इंग्लिश को भी साथ लेकर चलना आपको, तो उसका सिलेबस बायफिकेट अपने अकॉर्डिंग कर लेना आपने।
इंग्लिश का हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बाकी स्पोर्ट्स का बता दिया। अब जो 6-7 की जो शिफ्ट आप ये लगा देंगे तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में अब आपको आस्ता आस्ता वन डे प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट डे बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चे, 6-8 बैठना ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल आएगी, और कहने का लगेगा सर ये क्या बोल रहे हैं आपकी सारे स्वेट एक से अटैच कर देने। बच्चा टाइम कम रह गया, अब आप किसी स्वेट को मैं बोलूँ नहीं आप एक वीक में एक स्वेट पढ़ी ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप उस शेड्यूल चलेंगे तो आपका कोई एक स्वेट में अप्रोच कम हो जाएगी, जब इसमें अप्रोच कम रखेंगे उसको वीक होना शुरू हो जाएगा। अब इस टाइम पे जो टाइम हमारे पास बचा है उसमें सिर्फ हमें इतना करना है कि जो जो टॉपिक हमारे रिमेनिंग रह गए हैं जहाँ हमें गो थ्रू करने वाले हैं टॉपिक्स उनको अब करना शुरू कर दीजिए। अब आप टाइम कम बच गया ना उसको भी देखना, टाइमली हर चीज़ को करना मैटर है, मतलब इस टाइम की मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम में अगर आप इस शेड्यूल चलते जो मैंने डिस्कस किया है तो आप अच्छे लेवल में चल सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर आप जैसे कहा कि फैब में एग्जाम नहीं होंगे तो मैं प्रैक्टिकल्स भी नहीं हूँ, चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए फैब में, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए तो फैब 28 डेज बच गए आपके पास। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट शेड्यूल जो होगा मैं बताऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस शेड्यूल के खत्म होते ही जैसे 30th वाला जो मैंने शेड्यूल लाया अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मैं फर्स्ट फैब से पहले पहले एक शेड्यूल और डालूंगा। ऐसे ही आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ कि आप किस तरह से फैब मंथ को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया जैन मंथ आपके पास आ रहा है, न्यू ईयर बिगिनिंग है, तो आप किस तरह से इस न्यू ईयर से अपना शेड्यूल बनाकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो नो डाउट कि आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अभी कुछ स्कूल्स में से सुनने में आया कि प्री बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मतलब देखो ना कोई हम कोई चीज़ अब यूज़ कर रहे हैं हमें हम वो चीज़ अच्छा है गलत है वो हमें तब पता चले उसको इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ हमने परचेज करी है जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको पता चलेगा सही हुआ गलत हुआ। सेम वही है जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जब कुछ भी किसी तरह पता चलता है तो आपको पता चलेगा हाँ ये टिप्स मेरे यूज़फुल है या नहीं है। तो खाली ऑडियो को सुनकर या इस वीडियो को देखकर आपने अपने आपको फिनिश नहीं कर लेना, इसको एक्चुअली अप्लाई करना है। और कोई भी आपका डाउट हो कि सर नहीं ऐसा हो सका या मैं ऐसे कर नहीं पाया जो आपने जो शेड्यूल बताया उसमें ये नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप कमेंट करें तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा तो आपने उसमें जो कमेंट आपने किए होंगे उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि आपके जो क्वेरीज आ रही हैं मैं हर एक स्टूडेंट की वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट अपने वीडियो में। और अब जैसे आज मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया है तो अब मैं नेक्स्ट जो टाइम में वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास है कॉमर्स का ही चैनल, एक्चुअली चैनल ही एक्सप्लोरिंग कॉमर्स है तो इसलिए कॉमर्स की वीडियो आएंगी इसमें। अब मैं बिजनेस स्टडीज का टॉपिक कर सकता हूँ, इकोनॉमिक्स का पिक करना चाहूँगा, अकाउंट एंटरप्रेनरशिप का थ्योरी है ना थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट उसका जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी टॉपिक्स हमारे पास है सब एकदम आपके कंसेप्ट वाइज वो क्लियर होते जाएँ, तो इसकी एक कोशिश हमारी रहेगी। तो ये हमारे जो मैंने अपने वीडियो में लास्ट कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट की राह में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। थोड़ा सा शेड्यूल मेरा भी बिजी रहता है, दैट्स वाई रेगुलर वीडियोस पोस्ट करना डिफिकल्ट है, बट अगर मैंने कमिटमेंट किया है तो ट्राई टू कवर माई कमिटमेंट ओके, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट आपका सपोर्ट, आपका वीडियो से लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, व्यूज़ 300+ अभी तक हो गए हैं, तो ऐसा ही कमेंट्स में अच्छे लोगों के मिले, तो अगर आप थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो मेरा भी थोड़ा मोरल हाई होता है और देन आई विल थिंक यस बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसका जो मैंने कुछ टिप्स आपका शेयर किए हैं, देखो ये नहीं है कि आपको मुझे ही फॉलो करना, मैं वापिस इस बात पर रहूँगा ऐसा नहीं है बच्चे, आपके जो टीचर्स हैं बहुत बढ़िया टीचर्स हैं बच्चे, बहुत बेस्ट टीचर्स हैं, मुझसे 100-100 गुना बढ़िया आपके पास टीचर्स हैं, मेंटर आपके पास होंगे, सबसे बड़े पेरेंट्स आपके पास हैं, तो जैसे आपके पेरेंट्स बोले आप वैसा भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे सही लगता है मैंने आपसे वो शेयर किया है, अगर आपका शेड्यूल इससे बेटर है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, अगर आपका शेड्यूल 6-8 आवर स्टडीज़ का तो वो तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरा है कि आप स्टार्टिंग में 6 आवर अगर वन डे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा चेंज लाएंगे, और कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्टी भी होगी 6 आवर कैसे देंगे। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी भी आने वाली है कि 31st ईयर का एंड है भाई, हमें तो इन्जॉय करना है सर 6 आवर कैसे, नहीं देखो इन्जॉय का टाइम भी है, आप फुल डे में 6 आवर स्टडीज को दे रहे हैं इट मीन्स 18 आवर्स आपके पास फ्री हैं, 18 में 6 आवर आप स्लीपिंग निकाल लीजिए, फिर आपके पास 12 आवर बचते हैं, तो 12 आवर में आप क्लासेज अटेंड करिए, थोड़ा इन्जॉय भी कर लीजिए बट अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। आप इस बात को याद रखिए कि अगर हम हर एक चीज़ अपने टाइम पे करें तो हमें वो बढ़िया लगेगी, इन्जॉयमेंट बढ़िया है टाइम पे होता है, हर एक चीज़ टाइम पे होती रहे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो वैसे बच्चों आपको फॉलो करना है। तो न्यू ईयर की पार्टीज़ में जाना है आपको अच्छी बात रन कीजिए, बट आई थिंक कि जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिलहाल आपका कैरियर बनाने का टाइम है अभी, तो
आप इन चीज़ों पर फोकस करिए, तो बाकी चीज़ें इंजॉय आप करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, इंजॉय भी करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में इंजॉय नहीं किया तो क्या किया, तो इंजॉय करना भी ज़रूरी है। ये लास्ट डे मनाना, वीकेंड ईयर फिनिश हुआ 31 दिसंबर, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, बट आपने जो टाइम शेड्यूल आप उसको मैनेज करें कि अगर आपके 6 आवर्स सपोज करें आपने न्यू ईयर वाले दिन कहीं जाना है, चाहिए कोई बात नहीं, बट वापस आके आप उसको 6 आवर्स को अपने कवर करिए। अगर आपने 6 आवर कवर कर ली मतलब आपके न्यू ईयर की फर्स्ट डे आपने बहुत अच्छा कर लिया, क्यों, आपने इंजॉय भी कर लिया, स्टडीज भी कर ली, तो ना तो आपके पेरेंट्स दुखी होने वाले, ना आप दुखी होने वाले, और आपकी पार्टी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, राइट। थैंक यू, होप सो कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टार से शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक्सप्लोरिंग कॉमर्स बाय सर सौरभ, ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के साथ फिर आएंगे। थैंक यू।